हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आठ नियोजन इकाइयों पर गिरेगा गाज। चयनित अभ्यर्थियों के अपबंधित सूची अपलोड करने की अंतिम तिथि समाप्त। सूची के आधार पर 7 दिनों तक अभ्यर्थी से प्राप्त की जाएगी दावा आपत्ति। जिले के प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षक नियोजन में लापरवाह नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है, क्योंकि हर हाल में 31 अगस्त तक NIC के वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की अपबंधित सूची अपलोड करने को कहा गया था। विभागीय जानकारी के मुताबिक अंतिम तिथि समाप्त होने तक 12 नियोजन इकाइयों की सूची अपलोड हो गई थी। 8 नियोजन इकाइयों की लापरवाही की वजह से अपलोड नहीं हो पाई। DEO कार्यालय से इसकी रिपोर्ट बनाकर DM को भेजने की तैयारी चल रही है। शिक्षक नियोजन के संचिका प्रभारी सुधीर कुमार सिंह की देखरेख में युद्ध स्तर पर नियोजन संबंधी कार्य निपटाए जा रहे थे। इधर नियोजन इकाइयों का कहना है कि वे मेधा सूची बनाकर NIC को 4 दिन पहले ही दे चुके हैं, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सका। उसी अपबंधित सूची के आधार पर 7 दिनों तक अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने DEO व स्थापना DPO को पत्र भेजकर कई निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि 2500 रिक्त पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन होना है। ये छपरा का है जो न्यूज़ है। 2 सितंबर से ऑनलाइन आपत्ति। कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 को लेकर शिक्षक नियोजन के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। NIC पर अपलोड सूची के अभ्यर्थियों को जानकारी हो जाएगी कि उनके आवेदन में की गई प्रविष्टियां सही है। इसके लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति की सुविधा के लिए 2 सितंबर से NIC पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। 7 दिनों तक आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इसके बाद BDO व BEO के माध्यम से पंचायत नियोजन इकाई स्तर पर आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। अगर कोई नियोजन इकाई इसमें लापरवाही बरतेगी तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। माझी से बलेश्वरा पंचायत में 2008 की बहाली से जुड़ा मामला। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी का खेल कोई नया नहीं है। यही कारण है कि कई सालों से शिक्षक नियोजन की जाँच कर रही निगरानी को अब भी सैकड़ों फोल्डर नहीं मिल पाए हैं। माझी प्रखंड के बलेसरा पंचायत के 2008 के शिक्षक नियोजन में धांधली की शिकायत DM DEO स्थापना DPO और पिछड़ा वर्ग विभाग के डायरेक्टर से की गई है। बलेसरा में ही रंजय कुमार प्रसाद ने अपने शिकायत पत्र में कहा कि तत्कालीन मुखिया और पंचायत सचिव से मिली भगत से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आवंटित पद पर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी का नियोजन कर दिया गया। जिन अभ्यर्थी का नियोजन किया गया उनका अंक भी 83% है, जो कम है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ITI के आधार बनाया गया, जबकि उस समय ITI का प्रमाण पत्र नियोजन के लिए मान्य नहीं था। पिछले वर्ग की हकमारी का भी आरोप लगाया गया। DPO स्थापना ने कहा कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। 31 अगस्त तक NIC की वेबसाइट पर सूची अपलोड करनी है। सूची के आधार पर 7 दिनों तक अभ्यर्थियों से प्राप्त की जाएगी दावा आपत्ति। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा शिक्षक नियोजन में अक्सर देखने को आते रहता है, जो ये 2008 का मामला दिया गया है, खासकर पंचायत नियोजन इकाइयों में। तो चलिए, मिलते हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।